हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 75। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें बोला है फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग अ ट्रेनी ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशन हैं किसके लिए, एक ट्रेनी ऑफिसर को सेलेक्ट करने के लिए। उसने कंडीशन क्या दिया, द कैंडिडेट मस्ट, ओके कैंडिडेट के लिए क्या है, बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके उसने बोला कि जो कैंडिडेट है वो किसी में भी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उसके, ठीक है। और उसके बाद हैज़ स्कोर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में उसके कितने होने चाहिए, कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि बी एटलीस्ट 22 ईयर्स, ओके एंड नॉट मोर देन 39 ईयर्स एज ऑन 1/1/2016। ओके उसने बोला कि उसकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम कितनी, 22 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 29 ईयर्स होनी चाहिए, कब तक, 1/1/2016 तक, ठीक है। और उसके बाद हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन सेलेक्शन एग्जामिनेशन। ओके और सेलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। ओके और पर्सनल इंटरव्यू में उसके 50% मार्क्स आने चाहिए। ये हमारे पास कुछ कंडीशन दी है। और उसके बाद उसने बोला कि बी रेडी टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 1.5 ईयर्स। ओके और 1.5 ईयर का उसे बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा, तो वो भी उसे करना होगा। सो ये आपके पास क्या कुछ कंडीशंस उसने हमें दी हैं, ठीक है। इन सारी कंडीशंस को वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इन केस जो कैंडिडेट है वो कंडीशंस को फुल करता है, सेटिस्फाई करता है, सिर्फ कुछ कंडीशंस को छोड़कर, जैसे कि फर्स्ट वाली कंडीशन को छोड़कर, इन दैट केस जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाली की बात करूँ ना, उसमें क्या था, वो ग्रेजुएट होना चाहिए था किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसने हमसे ये चीज़ बोली थी ना, लेकिन उसने क्या, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कराता है, मतलब कि उसके 50% मार्क्स भी नहीं है, लेकिन अगर वो CA क्वालिफाइड है, सो इन दैट केस उसकी जो केस है उसको रेफर कर दिया जाएगा किसको, ED को, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक और एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो फिफ्थ वाली कंडीशन को फुल नहीं करता है, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपके सिक्स्थ है यहाँ पर ना, ठीक है, आपके पास फिफ्थ वाली कंडीशन वो इसकी बात कर रहा है, उसने वाला है कि अगर उसके 50% मार्क्स नहीं है किसमें, पर्सनल इंटरव्यू में, बट ही हैज स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन सेलेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है, लेकिन सेलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स कितने हैं, मिनिमम 60% है, ठीक है। इन दैट केस उसके केस को चेयरमैन को रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में है ना। यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशंस दी हैं, एक कैंडिडेट के सिलेक्शन होने के लिए, उसके बाद दो यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हुए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इन सब पर बेस्ड हमें एक क्वेश्चन को आंसर देना है। देखिए उसने क्या बोला हमसे कि अमन हैज़ सिक्योर्ड 69% मार्क्स इन क्लास 12th। ओके अमन के 69% मार्क्स हैं क्लास 12th में, मतलब क्या, उसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और उसके बाद 55% मार्क्स है BCom में, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद ही वॉज बॉर्न ऑन December 20, 1990। अच्छा अगर 1990 में बॉर्न हुआ है तो अभी तक, अगर 2016 तक देखूँ मैं, कितनी एज होगी इसकी, 26 होगी अराउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास सेटिस्फाई करी कंडीशन। और उसके बाद ही सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ओके और उसके 50% मार्क्स है किसमें, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में और पर्सनल इंटरव्यू में, इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है वो। और उसके बाद ही इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 1.5 ईयर, और वो रेडी है किसके लिए, साइन करने के लिए 1.5 ईयर के बॉन्ड को। इसका मतलब क्या है, वो सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ना, अगर वो सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब क्या, A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। उसने हमसे क्या बोला कि नमन सिक्योर्ड 56% मार्क्स इन BSc। अच्छा उसकी 56% मार्क्स हैं BSc में, मतलब क्या, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। 68% मार्क्स इन 12th, मतलब क्या, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ही हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन बोथ सेलेक्शन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ओके और उसके 55% मार्क्स है किसमें, सिलेक्शन में, मतलब क्या, ये आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, और पर्सनल इंटरव्यू में भी, इसका मतलब ये भी आपके सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद ही इज़ रेडी टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 1.5 ईयर, और 1.5 ईयर्स का वो बॉन्ड साइन करने के लिए भी रेडी है, ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और उसके बाद ही वॉज बॉर्न ऑन 5th January 1986। ओके और जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 5th जनवरी 1986 है,
ठीक है। सो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, सो देखिए आपके पास उसने कहा था कि 1/1/2016 तक 29 मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए आपके पास 5 जनवरी है, 5 जनवरी ठीक है 1986 तक, ठीक है यहाँ पर वो बॉर्न हुआ था, फाइन। अगर मैं देखूँ 5 जनवरी 2016 तक, यहाँ से आया वो कितने ईयर्स का हुआ, 30 ईयर्स का हुआ, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 5 जनवरी 2015 में वो कितने ईयर्स का होगा, 29 ईयर्स का होगा ना। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1/1/2016 में उसकी एज कितनी होगी, 29 ईयर्स से ज़्यादा होगी ना, ठीक है। अगर 29 ईयर्स से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका क्या सिलेक्शन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास एक्सेप्शन नहीं था ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कैंडिडेट इज़ नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या उसने बोला कि सुमन वॉज बॉर्न ऑन 8 नवम्बर 1991, ओके। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 1991 है। तो 1991 से अगर मैं देखूँगा 2016 तक आपके पास कितने, अराउंड 25 ईयर्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फाइन। उसके बाद शी हैज़ सिक्योर्ड 66% मार्क्स इन 12th, ओके। 12th में 66% मार्क्स हैं, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और 65% मार्क्स इन सेलेक्शन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके 65% मार्क्स हैं, ये भी आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। शी हैज़ सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ओके। और उसके 58% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, मतलब क्या, ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड 48% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू में उसके 48% मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन अभी आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद शी इज़ रेडी टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 1.5 ईयर्स, मतलब क्या, ये कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन आपके फिफ्थ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है ना। फिफ्थ वाली कंडीशन के लिए उसने हमें क्या बोला था, एक एक्सेप्शन दिया था क्या, कि अगर वो फिफ्थ वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इन दैट केस ऑल्सो अगर उसके 60% मार्क्स हैं किसमें, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, इन दैट केस उसके केस को क्या कर दिया गया, रेफ़र कर दिया गया चेयरमैन को। और उसके मार्क्स कितने अगर मैं देखूँ किसमें, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में उसके 65% मार्क्स है ना, इसका मतलब क्या है, इसके केस को आगे चेयरमैन को रेफ़र करा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ द केस इज़ रेफर टू चेयरमैन, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट आपके पास एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपसे, देखिए लास्ट स्टेप में अगर मैं देखता हूँ तो नंबर्स क्या हो रहे हैं आपके पास, देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। नंबर क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो यहाँ पर नंबर है वो ऊपर नंबर नहीं है आपके पास इनपुट में, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ बीच में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इतना पता चल गया, फाइन। उसके बाद अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो वर्ड्स देखिए आपके पास यहाँ पर वर्ड्स क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ़ लेटर्स के नहीं, नंबर ऑफ़ लेटर्स पर वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनिशियल लेटर की बात करता हूँ तो देखिए सी डी एफ एल एम एन टी, आपके पास ये डिपेंड किस पर कर रहे हैं, इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं ना। इनिशियल लेटर आपके पास क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको वर्ड्स का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया क्या, वर्ड्स किस तरीके से आपके पास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनिशियल लेटर के, ठीक है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स पर आपके क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनपुट से अगर मैं स्टेप नंबर वन में आता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, उसने क्या करा, उसने क्या क्या चीज़ें रखी यहाँ पर, देखिए उसने यहाँ पर सिस्टन को रखा है, मतलब क्या, वो वर्ड्स जिसमें इनिशियल लेटर के आपके पास सबसे पहले आता है उसको उसने प्लेस करा, ठीक है। और इसके साथ साथ उसने क्या चेंज करा यहाँ पर, देखिए आपके पास उसने 12 को 11 बना दिया, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई अभी तक, कि वो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर क्या प्लेस कर रहा है, वो वर्ड को प्लेस कर रहा है जिसका इनिशियल लेटर क्या है, सबसे एंड में आता है, ठीक है, उसके पास, सॉरी सबसे पहले आता है, स्टार्टिंग में आता है। और उसके बाद अगर नंबर की बात करूँ तो नंबर क्या है, उसने स्मॉलेस्ट नंबर लिया है लेकिन उसमें उसने -1 कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टेप नंबर टू में देखूँ तो उसने, देखिए इसको यहीं पर प्लेस करे रहने दिया, ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो रही है। उसके बाद उसने क्या करा, जो आपके पास डोर था, ठीक है, अब देखिए सी के बाद आना क्या था, डी आना था, डी ऑलरेडी यहाँ पर था, उसने बस जो चेंज करा है वो किसको चेंज करा है, उसने 25 को 24 बना दिया, मतलब क्या, फिर से आपके पास देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, वो था आपके पास 12, उसके बाद क्या था 25 था, तो उसने सबसे पहले क्या लिया, 12 को लिया, उसको चेंज कर दिया 11 में, उसके बाद उसने 25 लिया, उसको चेंज कर दिया उसने 24 में, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद उसने क्या करा, देखिए इन सबको यहीं पर प्लेस करने दिए। अब डी के बाद क्या आता, फ्रेजाइल एफ आता, तो एफ को उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया,
ठीक है, और आपके पास जो नंबर है, नंबर क्या है आपके पास 41, उसने 41 को क्या कर दिया, 40 कर दिया। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया क्या, इतने से हमें समझ में आ गया वो क्या कर रहा है, वो आपके लेफ्ट हैंड पर सबको प्लेस करवा रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड पर भी अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो वर्ड वो किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, किस तरीके से प्लेस कर रहा है, जो भी आपके पास इनिशियल लेटर है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर क्या है आपके पास, जो भी नंबर है उसका वो -1 कर रहा है, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो चेंज हो रहे हैं एकदम से, जैसे कि ये 11 बना, 24 बना, 40 बना, 63 बना, इन सब के नंबर्स क्या यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये नंबर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 11 का, उसने क्या करा है 33 करा है, 24 का उसने क्या करा है 96 करा है, सिमिलरली 40 का उसने क्या करा है 240 करा है। सो यहाँ से ये जो इसमें चेंजेस हैं इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 6 का, ये किस वजह से हैं, जो भी इन नंबर्स के साथ वर्ड्स एसोसिएटेड थे ना, जैसे कि 11 के साथ क्या था सिस्टर्न था, 24 के साथ क्या था डोर्स था, इसके जो इनिशियल लेटर है, ठीक है, उसका जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज में प्लेस आता है ना, उस नंबर से उसने उसका मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सी 3 है ना, 3 इंटू 11 कितना बना 33 बना, सिमिलरली डी क्या 4 है ना, 4 इंटू 24 कितना बना 96 बना, एफ क्या 6 है ना, 6 इंटू 40 कितना बना 240 बना। तो इस तरीके से ये क्या करा है उसने, यहाँ पर नंबर्स करें, फाइन, ये चीज़ समझ में आई ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस पर बेस्ड हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक इनपुट गिवन है, देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, जो भी आपके पास यहाँ पर डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और आपके पास नंबर्स क्या आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए टी डी 28 49, देन मार्च 33 72 58 सी एस 99 एंड देन के, ठीक है, ये है ना आपके पास। और हम एक चीज़ जानते हैं, सबसे पहले वो किसको प्लेस कर रहा है, लेफ्ट हैंड पर वो प्लेस कर रहा है उस वर्ड को जिसका इनिशियल लेटर क्या है, सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, इसको बनाते हैं, देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं किसको प्लेस करूँगा यहाँ पर, सी को प्लेस करूँगा, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ स्टेप नंबर 1, लेफ्ट हैंड में ए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं वो कहाँ प्लेस कर रहा है, लेफ्ट हैंड पर, और इसके साथ साथ नंबर भी प्लेस हो रहा है ना, तो नंबर कौन सा होगा आपके पास 28 होगा, इसको मैं क्या बोल देता हूँ स्टेप नंबर 1 लेफ्ट हैंड बी, ठीक है, और ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 27 बन जाएगा, फाइन। उसके बाद अगर मैं प्लेस करना चाहूँ तो सी के बाद अब मैं किसको प्लेस कर दूंगा, डी को, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 एल ए, ठीक है, और नंबर की अगर बात करता हूँ तो 33 आपके पास क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 2 लेफ्ट बी, ठीक है। अब डी के बाद मैं किसको प्लेस करूँगा, के को प्लेस करूँगा, के आपके पास क्या बन जाएगा स्टेप नंबर 3 लेफ्ट ए, नंबर्स की अगर मैं बात करूँगा तो 49, ये आपके पास क्या बन जाएगा 48 बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा स्टेप नंबर 3 लेफ्ट बी। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एम को प्लेस कराऊंगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 4 एल ए, और नंबर की बात करता हूँ तो 58 स्टेप नंबर 4 एल बी, ये नंबर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एस को पुट करूँगा, एस आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 5 एल ए, ठीक है, और नंबर की बात करता हूँ तो 72, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 5 एल बी, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 71 बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या प्लेस होगा, टी प्लेस होगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पास नॉर्मल अरेंजमेंट थी, ठीक है, हम जहाँ से टी को उठा रहे हैं जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं उसके बीच में कोई भी अनअरेंज्ड एलिमेंट नहीं है, तो अभी तक तो ये पुराने वाले स्टेप में ही काउंट होगा। बट हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि हर एक स्टेप में वर्ड के साथ साथ आपका नंबर भी चेंज हो रहा है। नंबर की अगर बात करूँ तो नंबर में 99 की जगह उसे 98 करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपके पास नए स्टेप में काउंट होगा, मतलब क्या स्टेप नंबर 6 एल ए ये होगा और स्टेप नंबर 6 एल बी ये होगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा 98 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप और होगा, है ना, क्यों, क्योंकि आपके पास जो नंबर थे वो भी तो आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना उनका, ठीक है। सो अभी तक 6 स्टेप ये है, लेकिन हम जानते हैं लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा 7th स्टेप होगा, ठीक। सो अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उस क्वेश्चन को पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि उसने कहा कि व्हाट विल बी द 5th स्टेप ऑफ द इनपुट गिवन अबव, ओके, तो इसका अगर मैं 5th स्टेप की बात करूँ तो 5th स्टेप क्या बनेगा, देखिए लेफ्ट हैंड पर मैं किसको प्लेस करूँगा, सबसे पहले सी को प्लेस करूँगा, ठीक है,
फिर उसके बाद मैं किसको प्लेस करूँगा, 27 को। फिर उसके बाद मैं प्लेस करूँगा 2LA, 2LA मतलब D, फिर उसके बाद 32, फिर थर्ड स्टेप में K, 48, ठीक है, फोर्थ स्टेप में M एंड 57, फिफ्थ स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ तो S, और साथ में किसको प्लेस करेंगे, 71 को। बाकी सब कुछ आपके पास सेम रहेगा, मतलब क्या T, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या 99, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, ये स्टेप आपको चेक करना है ना, तो देखिए C 27, D 32, K 48, M 57, S 71, T 99। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 7। ओके, स्टेप नंबर 7 की उसने बात करी है। सो फिफ्थ फ्रॉम द राइट उसने पूछा है हमसे, कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं सिक्स स्टेप लिख लेता हूँ, फिर बस जो लास्ट में चेंज हो रहा है वो क्या आपके नंबर ही चेंज हो रहे हैं, लेटर्स तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो अगर मैं लिखता हूँ सिक्स स्टेप मतलब क्या सी, ठीक है, उसके बाद 27, फिर डी 32, फिर ओके उसके बाद आएगा K 48, M 57, फिर S 71, T, ओके, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास सिक्स स्टेप 98। फाइन, अब आपके पास जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, नंबर से चेंज हो रहा है ना, ठीक है। आपको पता क्या करना है, लास्ट से फिफ्थ मतलब क्या, इसको पता करना है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ 57, 57 के साथ कौन सा नंबर एसोसिएट है, M ना, M आपके पास क्या होता है 13 होता है, ठीक है। तो 13 × 57 अगर मैं करूँगा मेरे को क्या मिलेगा, 741 मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने बोला कि हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट। ओके, फाइनल आउटपुट में कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 7 ना, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जब क्या फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड है उसका थर्ड टू द राइट मतलब क्या, फिफ्थ और थर्ड। सो यहाँ से सेकेंड उसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं सेकेंड स्टेप लिखूँ तो सेकेंड स्टेप के लिए आपके पास C 27, फिर उसके बाद D, एंड देन आपके पास क्या आएगा 32, बाकी सब कुछ आपके सेम रहेगा, मतलब क्या T 48, M 72, सॉरी ये 49 ही रहेगा, है ना, क्योंकि अभी नंबर तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 58, ठीक है, S 99, एंड देन K। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है यहाँ से सेकंड बताना है ना आपको, तो क्या आएगा आपके पास 99 आएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या जाएगा, B1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।